अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं चले जी आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट आज के व्लॉग में मैंने ईद दावत रखी थी ये ईद के फोर डे का व्लॉग है लेकिन अपलोड करते करते, करते काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही थी काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग था तो मुझे एडिट करते करते टाइम लग गया है खैर सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही थी ये दावत से एक दिन पहले का दिन है और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी मैंने यहाँ पर सीख कबाब हांडी बनानी थी उसकी तैयारी कर रही थी जिसके लिए मैंने एक लार्ज साइज का प्याज लिया था उसको अच्छे से चॉप कर लिया था और उसके बाद मैंने उसमें छोटी छोटी करके बोटियाँ ऐड करना शुरू कर दी अब मैंने उसका अच्छा सा कीमा बना रही है अब कुछ स्पाइसीज़ इसमें ऐड करेंगे अच्छा मैंने ना जितनी डिशेस हैं उसके स्पाइसेस यहाँ साथ ही मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा वो मैंने सारी क्वांटिटी वगैरह लिख दी है ताकि अगर आपने बनाना हो तो आपको मुश्किल ना हो फिर भी मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नारदाना लिया था उसको हल्का सा क्रश कर लिया था थ्री टेबल स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया लिया था उसको भी मैंने हल्का सा क्रश कर लिया जब इनको हल्का सा क्रश कर लेना है हमने इनको ग्राइंडर में नहीं करना ऐसे ही करना है इसके बाद मैंने वन टी रेड चिली पाउडर लिया था नमक लिया था नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले चिली फ्लेक्स ली थी वन टेबल स्पून वन टेबल स्पून गर्म मसाला वन टी स्पून अजवाइन और फोर टेबल स्पून भुना हुआ बेसन इसमें ऐड हो जाएगा अच्छा मैंने क्या किया सारे स्पाइसेस को मैंने ए, हमा, हमान दस था आई थिंक सो ऐसे बोलते हैं उसमें ऐड कर दिया था ताकि मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ और हाँ जी हल्दी भी ऐड की थी हाफ टी स्पून जो कि मैं आई थिंक सो मैं लिखना भूल गई थी उसके बाद इसमें जाएगा साब सूखी हुई जो मेथी होती है ना वो इसमें जाएगी इन सब को हमने मिक्स कर लेना ताकि ये अच्छे से ना मसाले मिक्स हो जाएँ जब ये मिक्स हो जाएंगे इसके बाद हम ये सारे मसाले उठा के कीमे में ऐड कर देंगे यहाँ पर हमारा जो सीख कबाब का मसाला है ना वो कीमे वाला वो ना मतलब जिस सारे स्पाइसेस में ऐड हो गए हैं अब सिर्फ हमने भुना हुआ इसमें वो बेसन ऐड करना है आगे जाके लेकिन इसके जो सबसे मेन पॉइंट है अच्छा बनने के लिए वो ये है कि आपने इसको मिक्स बहुत अच्छे से करना है बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से जैसे हम आटा गूंधते हैं ना इस तरीके से हमने हाथों की हथेली की हेल्प से इसको ना अच्छे तरीके से गून लेना है तकरीबन यहाँ पे मेरा सात से आठ मिनट लगे थे उसके बाद इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा मुलायम सा टेक्सचर हो जाएगा आपको पता चलेगा फिर मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे बाद मैंने सिर्फ पानी लिया पानी हाथों पे पानी लगाया हल्का हल्का गीला किया और इसको सीख कबाब की शक्ल दे दी अच्छा आप लोग इसके लिए सीख भी यूज़ कर सकते हैं या वट जो आपको अच्छा लगे कोई और आपने शेप देनी है वो भी आप दे लें इसकी ये गारंटी है कि ये जोन सी शेप देंगे ये टूटेगा नहीं आगे जाके मैं आपको बताऊँगी फिर मैंने इसको ना जैसे ही ये बन गए थे मैंने इसको एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था डीप फ्रीज़र के जो फ्रीज़र है ना मैंने उसमें रख दिया था ताकि ये अपनी शेप अच्छे तरीके से होल्ड कर ले जब तक ये फ्रीज़र में रखा तब तक मैं क्या मैं दूसरा काम कर लूँ यहाँ पर मैंने चिकन दाबू की प्रपरेशन स्टार्ट कर ली थी यहाँ पे तकरीबन मेरे पास डेढ़ किलो से दो किलो चिकन था उसमें मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया था टू टेबल स्पून नमक ऐड किया था नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें सुरख मिर्च थी उसके बाद इसमें खुश्क मेथी ऐड हुई थी फिर मैंने साथ ही इसके अंदर गरम मसाला था ज़ीरा पाउडर था धनिया पाउडर था लहसुन अदरक का पेस्ट था और सॉसिस थी जिसके जिसमें था ये सिरका था वन टेबल स्पून वन टेबल स्पून इसमें था सोया सॉस था और टू टेबल स्पून इसमें चिली सॉस था अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इनको हमने मिक्स करना है और उसके बाद हमने एक बॉक्स में ऐड करके ना हमने इसको रख देना है फ्रिज में ये एक दिन पहले का मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो मैंने एक दिन पहले कर लिया था ताकि ता मुझे नेक्स्ट डे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जब आपने अकेले काम करना हो ना तो आपको बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ पर, पड़ता है और मेरे साथ भी यही सीन है मेरे तीन बच्चे हैं मुझे उन्हें भी लेके चलना होता है और घर को भी खैर चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि मैंने ना एक दिन पहले ही रात में बिरयानी का मसाला बना के रख लिया था अच्छा मैंने सबसे पहले प्लानिंग की एक डायरी ली उसके अंदर मैंने सारा मेन्यू डिसाइड किया कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी है फिर उस आ, साथ ही मैं किचन में आके किचन में आके मैंने सारी ग्रॉसरी देखी कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मेरे पास क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ उसके बाद फिर जब वो भी काम हो गया फिर थर्ड काम मैंने ये किया कि मैंने जो दावत प्रेपरेशन का एक पेज बनाया जिस पे मैंने लिखा कि मुझे एक दिन पहले क्या करना है बिफोर दावत और आफ़्टर जिस दिन दावत है ना उस दिन मुझे क्या करना है इस तरीके से इतना इजी हो जाता है आपको मैनेज करना आपको पता होता है कि आपने एक दिन पहले क्या करना है एक दिन बाद क्या करना है और इस तरीके से आप अकेले भी सब कुछ मैनेज कर सकते अगर आप हिम्मत करें खैर चलें यहाँ पे मैं आपको बिरयानी का कुछ फटाफट से बता देती हूँ सबसे पहले मैंने ऑयल लिया ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट को वो अच्छे तरीके से भून लिया था जो इसमें कच्चा पान था वो ख़त्म हो जाए अच्छा मैंने ना सबसे पहले जो कुछ ना प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी उसमें से तकरीबन मैंने जो एक कप प्याज थी ना वो ले ली थी साथ ही यहाँ पर मैंने बीफ़ ऐड कर दिया क्योंकि हम बीफ बिरयानी बना रहे हैं बीफ ऐड करने के बाद हम इसकी बुनाई करेंगे इतनी अच्छी करेंगे कि इसके अंदर जो स्मेल होती है ना ये कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद मैंने यहाँ बिरयानी मसाले का एक पूरा पैकेट ऐड कर दिया था उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था चिली जो फ्लेक्स होती है वो हाफ टी स्पून वो ऐड किया था रेड चिली पाउडर ऐड किया था ज़ीरा पाउडर था धनिया पाउडर था और तीन लार्ज साइज के टमाटर थे और उसको मैंने कुकर चढ़ा दिया था पंद्रह मिनट के लिए पंद्रह मिनट बाद जब मैंने खोला जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल गया था इवन बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हो गया था फिर मैंने क्या किया मैंने आलू डाले क्योंकि बिरयानी में हम सबको आलू बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी तरह गोश्त नहीं खाते हैं। फिर उन्होंने बिरयानी के साथ गुजारा करना पड़ता है यहाँ मैं बता रही थी कि मैंने जो गोश्त है उसको निकाल लिया था आलूओं को मैंने भूनना था मैं क्या ये ना जो गोश्त टूटना शुरू कर दे इसलिए मैंने गोश्त को पहले ही निकाल के साइड पे कर लिया था जैसे आलू भून गए सब आलू गल गए फिर मैंने गोश्त दोबारा इसमें ऐड कर दिया इसमें फिर मैंने सब्ज़ मिर्ची वगैरह डाल के छोड़ दिया ठंडा होने के लिए अब जो सीख कबाब हमने बनाए थे उसने अच्छे से अपनी ना शेप जो होल्ड कर ली अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे अच्छा अगर आपने ऐसे खाने हैं ना कि आप ऐसे भी खा सकते हैं अच्छे से फ्राई कुक करके बहुत टेस्टी बनते हैं और इसके अलावा अगर आपने हांडी बनानी है कड़ाही बनानी है वो भी आप बना सकते हैं और अगर आपने इसको फ्रीज करना है इस कंडीशन में जैसे ये हल्के थोड़े से फ्राई हो गए इस इस तरह आप तकरीबन तो डेढ़ से दो महीने सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में अब हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑयल लिया था उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है टू टेबल स्पून उसको हम अच्छे से भून लेंगे पेस्ट को जो जहरी सी बात है लहसुन अदरक की भी ना एक कच्ची कच्ची स्मेल होती है उसको हमने ख़त्म करना होता है इसलिए हम उसके साथ ऐसे करते हैं फिर मैंने इसमें लार्ज साइज़ के जो टमाटर है वो ले लिया था उसकी मैंने अच्छा सा उसको ग्रैंड करके एक प्यूरी बना ली थी अब हमने इसको इतना टमाटरों को पकाना है कि इसका जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाए और सिर्फ इसकी ग्रेवी ग्रेवी रह जाए आप आगे जाके देखना ये अच्छे तरीके से भुन जाएंगे उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसिस ऐड की इसमें नमक है सूरख मिर्च है हल्दी है और इसमें था खुश धनिया का पाउडर था ज़ीरा पाउडर था बस इन सब चीज़ों को हमने मिला के ना हमने अब इनको अच्छा सा ना पका लेना है जैसे हम एक मसाला भूनते हैं ना उस तरीके से हमने इसको करना है हमने इसके अंदर ना हल्दी भी ऐड करनी है थोड़ी सी ना हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर ली थी अच्छा ये सबसे टेस्टी बना था सबको ये बहुत पसंद आया था आप भी ज़रूर बना के अपनी फैमिली के साथ शेयर करना आप सबको पसंद आएगा ये रेसिपी ना सबको पसंद आएगी अभी देखिए मैंने ऐसे उठाया तो इसके अंदर पानी पानी गिरे ना इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए इसके बाद मैंने इसमें एक कप दही ऐड किया अब दही को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर फेंट लेना है ताकि जो इसके अंदर जो गुटलियाँ बनती हैं ना वो ना बने चाहे ये बाज़ार के दही थी इतना पतला पानी था बहुत ज़्यादा खैर उसके बाद फिर मैंने सारे जो हमने कबाब बना कर रखे हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था तकरीबन वन ग्लास या उससे ज़्यादा ऐड होगा क्योंकि अभी ये जो है ना मैंने हाफ़ फ्राई किए थे जो कबाब है फुल फ्राई नहीं थे अब हमने इसको कवर करना है कवर करके हमने इसको पकने देना है तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट लेकिन ये नहीं आप भूल जाना बीच बीच में आप चेक करते रहना चले जी अब हम चलते हैं चपली कबाब की तरफ अच्छा ये भी रेसिपी ऑफ द डे थी ये भी सबको बहुत पसंद आई थी सबसे पहले हमने क्या ले करना है हमने कीमा लेना है कीमे को हमने दोबारा चॉपर में ऐड करना है ताकि हमें इसका स्मूथ सा पेस्ट बना सके ये सारे वगैरह मेंशन है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसको वीडियो को पास करें और इसको स्क्रीन शॉट लें और आप भी ये बना सकते हैं अच्छा बहुत मज़ेदार बना था बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया था इसके भी कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स हैं वो यही हैं कि अगर आपने अच्छे अपना ये कबाब बनाना है ना एक तो आपने इसको मिक्स बहुत अच्छे से करना है बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है गूंदना है दूसरा जो प्याज है ना जो इसमें जाएगा उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दो बातें होगी और तीसरा आप इसको अगर गेम चेंजिंग जिसे बोलते हैं ना गेम चेंजर वो ये है कि आपने इसको रात में मैरिनेट करना है और नेक्स्ट डे इसके कबाब बनाने हैं यकीन करें इतना कोई फ़र्क आता है ना क्योंकि ये मैंने बनाते साथ ना मसाला टेस्ट करने के लिए ना एक कबाब बना के टेस्ट किया था लेकिन जब मैंने नेक्स्ट डे फिर मैंने ये बना के फ्रिज में रख दिया नेक्स्ट डे जैसे ही गेस्ट आए ना मैंने उनके लिए खाने के टाइम जब कबाब बनाए सारा गेम ही चेंज होगी हुई थी सारे जज्बात बदल गए हालात बदल गए वाला सीन था ऐसा वाला सीन था बहुत ही मज़ेदार ये बना था बहुत मज़ेदार सबको भी सबको भी ये भी बहुत पसंद आया था खैर फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया अच्छा बीच बीच में मैं ये चेक कर रही थी कि ये ना हो कबाब टूट जाए या फिर कुछ और मसला ना हो जाए नीचे ना लग जाए पर ऐसा अच्छा कोई सीन हो अब बिल्कुल कबाब नहीं टूटते थे अच्छा ये जो पूरी ये मैंने कढ़ाई है ना जो कबाब कढ़ाई है वो मैंने एक दिन पहले ही बना के ना रख दी थी मैं कह नेक्स्ट डे काम ज़्यादा होने हैं क्यों ना मैं इसको फुल कंप्लीट करके कर रख दूँ बस एंड में आपने क्या करना है इस पर सूखी मेथी ऐड करनी है गर्म मसाला ऐड करना है उसके बाद आपने बस आपने चेक कर लेना आपको जितनी ग्रेवी थिक चाहिए आप उतनी रख के ना और चूल्हा बंद कर दें अभी मैं इस पर कुछ गार्निश वगैरह नहीं करूँगी ये क्या उसे बोलते हैं जो धनिया वगैरह वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी बस ये मेरा लास्ट लास्ट काम बचे थे रात के आठ नौ का टाइम हो गया था घर वालों के लिए मैंने सालन भी बना लिया था इसके अलावा बिरयानी मसाला रेडी था वो जो पिंक बाउल में है यहाँ ये कबाब कढ़ाई रेडी थी यहाँ पे मैंने चिकन बॉयल कर लिया चलें ये अब है दावत डे जो मतलब मेन डे है ना उस दिन था और जो दावत है ना वो भी ना रात की थी ना श... दिन की थी शाम हो गया था सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बीफ कौरमा इतना मज़ेदार दानेदार कौरमा आपका बनेगा ना यकीन करें अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल लिया ऑयल के अंदर मैंने देखा घी है सॉरी दही ऐड किया आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा मैंने ऐड की है उसके अंदर मैंने मसाले ऐड कर दिए जिसमें था नमक था सुरख मिर्च थी अच्छा इसमें ज़्यादा स्पाइ मतलब एक्स्ट्रा जो मसाले होते हैं ना वो नहीं जाएंगे नमक था सुरख मिर्च थी हल्दी थी और और इसके अंदर सिंपल थोड़े से मसाले थे ये था धनिया पाउडर था गरम मसाला था और जो मैंने अनियन को फ्राई करके एक दिन पहले ही रखा हुआ था ना वो लार्ज साइज़ का था एक बस ना अच्छा इसके अंदर मैंने आलमंड भी ऐड किए थे आपने अगर आलमंड ऐड करने हैं तो उसके लिए ये है कि आप गरम पानी में उनको रख दें तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट के लिए उसके बाद जो उसका छिलका उतारना ना बहुत ईजी हो जाएगा आप आराम से उसका छिलका उतार सकते हैं क्योंकि छिलके के साथ इसमें नहीं जाते उसका टेस्ट एक तो ख़राब हो जाता है इस वजह से बस यही कुछ मसाले थे इससे ज़्यादा हम इसमें मसाले नहीं ऐड करेंगे हाँ मैंने ये जो हल्की सी चुटकी भर डाला है ना ये मैंने इलायची पाउडर डाला है उसके बाद जो खड़े गरम मसाले हैं ना वो मैंने ऐड किए तकरीबन वो थे वन टेबल स्पून थे बस इतने से मसालों को हमने मिक्स करना है दही में अच्छे तरीके से उसके बाद हमने इसके अंदर बीफ ऐड कर देना है ये तकरीबन एक किलो या एक किलो से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा इतना ही था बस इससे ज़्यादा नहीं था अब हमने इसको इसके अंदर मिक्स करना है और सिर्फ एक कप हमने साथ इसमें पानी ऐड करना है पानी ऐड करने के बाद हम कुकर चढ़ा देंगे आपको पता है कि आपका जो जो गोश्त आप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी देर लेते हैं यहाँ पे पंद्रह मिनट बाद आ, अच्छे से ये रेडी हो गया था देखें अच्छा जो कौरमे में ना कच्चे जो कच्ची सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहती जैसे प्याज टमाटर वगैरह ऐसा कोई सी नहीं है अदरक लहसुन मैं पहले ऐड करना भूल गई थी अब मैं बुनाई के टाइम पर ऐड कर रही हूँ अच्छा अब हमने अदरक लहसुन को ऐड करने के बाद हमने भूना है उसके बाद ना आप देखें कि मैंने इसमें बादाम भी ऐड कर दिए हैं और जो हमने फ्राई की हुई प्याज है ना उसको एक साइड पे करके ना हमने उसको ग्रैंड कर लेना है उसकी हमने पेस्ट बना लेनी है आपने कच्चे प्याज इसमें बिल्कुल नहीं डालने पेस्ट में ही बना के डालने हैं और फ्राई करके बस जैसे ही इसके अंदर फ्राई करके प्याज ऐड होंगे और देखना आपकी जो है ना कौरमे की थिकनेस कितनी अच्छी हो जाएगी ग्रेवी कितने मज़े की हो जाएगी हर ये भी सबको ही बहुत पसंद आया था ये सालन भी मुझे सबको पसंद आया था उस टाइम तो इतना कुछ था कि इतना टाइम नहीं मिला था जब रात में सब ने खाया था ना अकेले बैठ के फिर सब ने बोला था कि बहुत मज़े का स्पेशली लड़कियों ने जो लड़कियाँ ना उन्होंने सब कुछ टेस्ट किया था हम जितनी लड़कियाँ थी ना इतना टाइम नहीं था कि हम सब सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं हम ना बीच बीच थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे थे खैर यहाँ पे मैं नमक वगैरह चेक कर लूँगी कि इसमें नमक वगैरह ठीक है या नहीं सब कुछ मुझे परफेक्ट लगा था उसके बाद यहाँ पे एंड पे मैंने बस इसके अंदर धनिया पाउडर थोड़ा और ऐड किया है क्योंकि धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाता है और ये मेरा जो है बीफ आलमंड कौरमा है वो भी रेडी हो गया था और ये भी बहुत अच्छा बना था बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये तो बिल्कुल इसने टाइम नहीं लेती और इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्पाइसीज़ और ये जो सब्जियां वगैरह ना वो भी ऐड नहीं होती बस इसको भी मैंने साइड पे कर दी अब मैंने क्या किया अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी स्पैक्ट्री चिकन चाउमिन मैं बनाऊँगी उसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया नमक ऐड करके थोड़ा सा मैंने जरदा रंग डाला है पूरा स्पैक्ट्री का इसमें पैकेट ऐड कर दूँगी और इसको मैं बॉयल होने दूँगी तब तक यहाँ पर मैं बना लूँगी दही बूंदी जिसके लिए मैंने दही ले लिया था एक किलो इसको हम फेंट लेंगे अच्छा जो तो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि अगर मैं दावत करूं तो मेरे मेन्यू में चना चाट और या फिर जो होती है दही भले दही फुलकी ये ज़रूर होते है अच्छा है यहाँ पर आज मैं दही फुलकी बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने एक किलो दही ले ली थी उसमें मैंने चॉप की हुई या ग्रैंड की हुई जो सब्ज़ है वो ऐड कर दी थी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें उसके बाद मैंने इसमें बहुत ब्रीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए थे फिर मैंने इसके अंदर जो चने बॉयल किए हुए थे वाइट वो ऐड कर दिए थे ये थोड़े से डीप रॉस्ट नहीं हुए थे मैंने कहा दही में जाके खुद ही हो जाएंगे क्योंकि ये मैं सुबह सुबह जल्दी के टाइम बना रही थी जब तक मेहमानों ने आना था तब तक ये सेट हो गई थी फिर मैंने इसके अंदर बंद गोभी ऐड की क्योंकि जो दही फुलकी है ना इसमें बंद गोभी बहुत अच्छा टेस्ट देती है आप भी ज़रूर ऐड करके देखना फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर टमाटर को हम सीड्स के बगैर ऐड करेंगे एंड पे मैंने इसके अंदर जो बूंदी मैंने घर में बनाई हुई थी बेसन की बूंदी है इसको मैंने पानी में भिगोया हुआ था इसको हम हल्का सा स्क्वीज करेंगे सारा पानी निकल जाएगा फिर हम इसके अंदर बूंदी भी ऐड कर देंगे अभी जो थे आलू वो बॉयल हो रहे थे फिर साथ ही आलू बॉयल हो गए वो भी मैंने डाल दिए ऊपर मैंने चाट मसाला ऐड किया फिर सिंपल मैंने इमली वाली चटनी बनाई हुई थी वो मैंने रख दी थी इसके ऊपर डाल दी थी अच्छा इमली की चटनी ऐड करने के बाद ना ये अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा चिल्ल हो मतलब बहुत ठंडी होना तो अच्छी लगती है इसलिए ये भी मैंने टाइम से पहले बना ली थी मतलब सुबह उठ जैसे ही मैं किचन में आई थी ना ये दूसरा काम मेरा यही था बनाना ये बना के फिर मैंने फ़्रिज में रख दी थी अब हम लेंगे चाउमिन चौमिन के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया उसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून लहसुन ले, का सिर्फ जो पेस्ट होता है ना वो लिया था अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा इसके अंदर फिर मैंने थोड़े से चिकन ले लिया था उसको मैंने स्ट्रिप में कट कर लिया था अच्छा आधे से ज़्यादा मैंने कल काम कर लिया था और इतना मुझे रिलैक्स हो रही थी क्योंकि जिस दिन दावत थी उस दिन बिल्कुल ही गैस नहीं थी पूरा दिन सारा काम मुझे सिलेंडर पे करना था और चूल्हा एक था सिलेंडर पे बहुत मुश्किल भी हो रहा था और मैं शुक्र भी कर रही थी कि आधा काम मैंने कर ही कर लिया था खैर जो हमने चा चाइनीज़ गाजर होती है ना वो थोड़ी सख्त होती है वो मैं चिकन के साथ ही ऐड कर लेती वो गलते हुए थोड़ा सा टाइम लेती है थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था ताकि चिकन और जो गाजर है वो गल जाए उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दूँगी इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स जाएगी और इसमें वन टेबल स्पून या टेबल स्पून से थोड़ी सी कम इसमें ब्लैक पेपर जाएगी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ी स्पाइसी खाते हैं या फिर आप लोगों को स्पाइसीज़ नहीं पसंद या फिर अब आप, आप देख लेना इतना तो हिसाब किताब आई थिंक सो सब बंदों को ही होता है ज़रूरी नहीं होता बताना कि ये इतनी डालनी इतनी डालनी है हर आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा ये रेसिपीज़ हैं और सारी रेसिपीज़ को मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर की है फिर इसके अंदर सॉसेज़ जाएंगे सोया सॉस जाएगा इसमें सिरका जाएगा चिली सॉस जाएगी और अब इसके बाद जो मैंने सब्जियां कट की हुई थी जो शिमला मिर्ची बंद गोभी थी वो इसमें जाएगी उसको हम मिक्स करेंगे अच्छा ये दोनों बहुत जल्दी गल जाती है तकरीबन दो से तीन मिनट बस मैंने इसको पकने दिया था उसके बाद मैंने इसकी ज़्यादा कुकिंग नहीं की थी वरना ये फिर सालन की तरह हो जाना था फिर मैंने जो बॉयल किया हुआ चाउमिन था मतलब सॉरी स्पैक्टी थी वो ऐड कर दी थी ऐड करने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूँगी मिक्स करने के बाद हमारी मज़ेदार सीना स्पैक्टी रेडी हो जाएगी कैचअप के वगैरह भी रहती है फिर मैंने कैचअप डाली थी और फिर ये रेडी हो गई थी साथ ही साथ ही साथ ना मैं ना जो डिश आउट करती जा रही थी मैंने कहा जूँ वो आएंगे ना ओवन में गर्म करती जाऊंगी और ये सर्व करती जाऊंगी उसके ऊपर मैंने थोड़े से शशके के लिए तिल ऐड कर दिए थे और मैं फिर रूम में आ गई थी क्योंकि हमने डाइनिंग रूम में लगा लिया था ताकि ए चला लेंगे गर्मी होगी लेकिन उस दिन इतनी तेज़ हवाएँ चल रही थी बारिश हो रही थी कोई गर्मी नहीं थी मैंने कहा गलत ही किया है ठीक था टी वी लॉन्च में ये रहता फिर मैं कपड़े निकालने के लिए आई थी रूम में क्योंकि मुझे अपने भी कपड़े निकालने थे और अपनी छोटी बेटी के भी कपड़े निकालने थे हमने फिर चेंज वगैरह किया चेंज करने के बाद दोबारा मैं किचन में आ गई थी क्योंकि अब मुझे बनाना था मीठा देखें जो सबसे पहले बनाना था ना वो मैंने उस दिन सबसे लेट बनाया था मेरे पास ये जो मैंने ट्राइफल बनाना था ना उसकी थोड़ी चीज़ें कम थी इस वजह से ना वो आते आते टाइम लग गया था ये चॉकलेट केक मैंने घर पे ही बेक कर लिया था उसके ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस डाली फिर मैंने गरम गरम ज़रा इसके ऊपर ना कस्टर्ड ऐड कर दिया था फिर मैंने सारे इसमें फ़्रूट्स ऐड किए दोबारा कस्टर्ड ऐड किया दोबारा इसके ऊपर मैंने केक ऐड किया ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस ऐड की और फिर हम इसके अंदर अपनी मर्जी की आप लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं हमने इसकी थोड़ी डेकोरेशन के लिए साइड पे बनाना ऐड कर लिए थे पीस कर कर के छोटे छोटे आ, मतलब आपको जौन सी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं जेलियाँ अच्छी लगती है आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर ले मुझे जैसा अच्छा लग रहा था उस टाइम समझ आ रहा था मैंने वैसा किया था फिर मैंने इसके अंदर जालियाँ सारी ऐड कर ली थी ग्रीन और रेड जाली ऐड करने के बाद मैंने भी इसको ऊपर से क्लिंग रैप से कवर किया और सीधा फ्रीज़र में रख दिया अब हम लोग चलते हैं सालन की तरफ यहाँ पे दूसरा सालन मैंने क्या बनाया था यहाँ पर मैंने बनाया था मटन मटन का जो है ना कड़ी टाइप वो मैंने बनाई थी जिसके लिए प्याज मैंने कट कर लिए थे उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था फिर उसके बाद मैंने इसमें मटन ऐड कर दूँगी मटन में वन के जी मटन था फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर टमाटर ऐड करने के बाद ज़्यादा स्पाइसेस नहीं इसमें जाएंगे इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च ब्लैक मिर्च और सॉल्ट ये तीनों इसमें जाएगा मतलब कोई मैंने इसमें ना रेड मिर्च वगैरह ऐड नहीं की थी ये मैंने ग्रीन चिली वाला बनाया था और बहुत टेस्टी बना था ग्रीन चिली मैंने इसमें ली थी आठ से दस ग्रीन चिली ले ली थी जो तीखी थोड़ी होती है ना वो वाली ली थी नमक ऐड कर लें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लें धनिया पाउडर ऐड कर लें ज़ीरा पाउडर ऐड कर लें अच्छा धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर ये तो ज़रूरी होता है हर हांडी के लिए मुझे लगता है जो देसी वर्जन के फूड्स होते हैं ना उनके लिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पर जब तक ये पकता है इसने भी तकरीबन दस से पंद्रह मिनट लिए थे अच्छे से पक गया था इसके बाद इसमें पानी था वो मैंने इसमें ड्राई किया ड्राई करने के बाद इसमें ऑयल ऐड होगा और इसकी बुनाई हो जाएगी और हमारा मज़ेदार सच वो है ना मटन ये भी रेडी हो जाएगा अच्छा मैं ना सारा सा डिश आउट करके ना डाइनिंग पे रखती जा रही थी मैंने कहा फिर एंड की एंड पे देखेंगे कि कैसे गर्म करना है ओवन में करना है या चूल्हे पे करना है जो भी होगा फिर मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया थोड़ा सा मैंने इसमें मेथी ऐड कर दी और बुनाई भी मैंने इसकी अच्छे से की थी तकरीबन सात आठ मिनट लगे थे इसकी बुनाई करते हुए और ये भी रेडी हो गया था इसको भी मैं निकाल निकालूँगी डिशेज़ में जिसमें मैंने इसको सर्व करना है अच्छा ये मैंने सर्व की थी ये जो स्टील की छोटी छोटी मेरे पास कढ़ाई हैं ना इनमें मैंने की थी क्योंकि हमें पता था जो मटन है ये सिर्फ़ जो मर्द हजरात है वही शौक़ से खाते हैं लेडीज़ इतने शौक़ से नहीं खाती इस वजह से हमने कहा ये कढ़ाइयाँ उनके आगे कर देंगे वो खा लेंगे इसी में वही हुआ हमने किसी भी लेडीज़ ने ये वाला तो मुझे नहीं लगता टेस्ट भी किया होगा ये सब जेंट्स ने खाया था है ये ऐसे मेरे पास ये दो छोटी छोटी हैं एक थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है इसके बाद मैं अब इसको मैंने रख दिया रूम में अब हम लोग ने जो कल बिरयानी का मसाला बनाया था ना उसकी मैंने तह लगा दी चावल मैंने बॉयल कर लिए थे फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सालन मतलब जो बिरयानी का पूरा हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड किया फिर मैंने उबले हुए चावल ऐड किए उसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर सेट कर लेंगे और नींबू थे सब्ज़ धनिया पुदीना अच्छा सब्ज़ धनिया और पुदीना बिरयानी में इतना अच्छा लगता है हम तो ज़रूर ऐड करते हैं और इससे ना टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है सब्ज़ धनिया पुदीना से और हाँ जी एंड पे ना आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ना बिरयानी मसाला ज़रूर ऐड करना देना उससे कितना अच्छा फ्लेवर आएगा और फिर मैंने ज़रदा रंग ऐड कर दिया अच्छा यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेड भी बनाई थी लेकिन उसकी मैं रेसिपी नहीं दी क्योंकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है बस अब इस टाइम गेस्ट आ गए गे हुए थे और मैं इस टाइम फटाफट से न कबाब कबाब बना रही थी चपली कबाब क्योंकि बस यही रह गया था बाकी सब कुछ रेडी हो गया था रोटियाँ लेने चले गए थे तंदूर से और मैंने कहा मैं साथ साथ चपली कबाब बनाती रहती हूँ और आप लोग खाना गर्म भी कर लो और साथ साथ ना सर्विंग भी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि जो मेहमान आए थे ना सबको ही भूख लगी हुई थी दिन का दिन का भी टाइम ख़त्म हो गया था और सुबह का तो ख़त्म हो ही गया था इस टाइम आई थिंक जो पाँच हो गए थे शाम के हमने पाँच बजे खाना खाया था सब ने इतना हम लोग लेट हो गए थे दिन का बना हुआ खाना मतलब दिन का खाना शाम पाँच बजे खाया गया था क्योंकि गेस्ट थोड़े लेट हो गए थे आते आते और उसकी वजह से ना फिर हैर हमने क्या किया हमने अंदर खाना सर्व करना स्टार्ट किया साथ ही बाहर तूफ़ान आना शुरू हो गया बारिश आना शुरू हो गई मौसम इतना कोई अच्छा हो गया था ना सब खुश हो गए था जहरी बात है मौसम अच्छा हो ना तो मूड अच्छा हो जाता है सबका अदरवाइज सब ना मुँह ही बनाते रहते हैं जो चिकन था ये देखें मैंने इसको एयर फ्राई कर लिया था ये मुझे पता नहीं कहाँ पर इसकी वीडियो की है मेरी समझ से बाहर है साथ सैलेड कट हो गया था चटनी हो गई थी और सब ने खाना इंजॉय किया सबसे बड़ी बात होती है जब खाना पसंद आ जाए ना तो समझें कि सारी मेहनत वसूल हो जाती है ऐसे ही मेरा भी खाना सबको पसंद आ गया था मुझे सब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने इतना काम किया मुझे कोई थकावट हुई है मैं बहुत खुश थी कि हाँ भाई जो मैंने इतनी मेहनत की है ना वो सबको पसंद आ गया हैर ये थी मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी थी आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे फैमिली मेम्बर के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ एक नए व्लॉग के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़